सो देखिए, क्वेश्चन तो वैसे आपने पढ़ लिया है, बट कंप्लीट क्वेश्चन था जो वो हिंदी में था, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज 2000 रुपीज़, यानी दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, मीन्स जितने में उनको खरीदा गया है वो 2000 है, ये कंबाइंड प्राइस है, अलग अलग नहीं है, दोनों को कंबाइन करके टोटल 2000 रुपीज़ में खरीदा गया है। जो पहला ऑब्जेक्ट था उसको 12% प्रॉफिट पे बेचा गया, एंड जो सेकंड ऑब्जेक्ट था उसको 12% लॉस में यानी हानि में बेचा गया। प्रॉफिट मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लाभ में 12% 12%, और दूसरे ऑब्जेक्ट को 12% हानि में बेचा गया। और दोनों ही ऑब्जेक्ट को बेचने में ओवरऑल जो हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है, और कितना हुआ है, 1.2%। तो अब ये कहा गया है कि फाइंड द सीपी ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, दोनों ही ऑब्जेक्ट की सीपी आपको बतानी है। देखिए, अगर मैं ओवरऑल प्रॉफिट की बात करूँ 1.2%, तो यहाँ से सीधे सीधे क्लियर हो जाता है कि 24 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, 2024 रुपीज़ के वो ऑब्जेक्ट बिके हैं दोनों, बट दोनों एक साथ तो 2024 है, बट दोनों के अलग अलग प्राइस हमें यहाँ पे निकालने हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं, हम यहाँ सपोज कर लेते हैं लेट सी पी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, कि पहले ऑब्जेक्ट का सी पी हमने एक्स मान लिया, सी पी मीन्स क्रय मूल्य, कि पहले ऑब्जेक्ट का क्रय मूल्य एक्स था, तो सी पी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट विल बी, ठीक है, दोनों के मिला के थे 2000 रुपीज़, तो दूसरे ऑब्जेक्ट का हो जाएगा 2000 माइनस एक्स, ये सी पी हो गया। अब अगर आपको लॉस एंड प्रॉफिट का फॉर्मूला याद हो, तो पहले ऑब्जेक्ट का सी पी है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, ये भी मैं आपको लिख देता हूँ कि प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, दैट मीन्स 12% प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट अपॉन सी पी कितना है, एक्स इंटू 100, तो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 12x अपॉन 100, ये प्रॉफिट आ गया। एंड जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, अब कॉस्ट प्राइस आपका एक्स था, प्लस 12x अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 112x अपॉन 100, ये आया है सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस है ये। अब सेकंड ऑब्जेक्ट के सेलिंग प्राइस को निकालते हैं सेम मेथड से। सो देखिए, सी पी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट 2000 माइनस एक्स आया था, लॉस था 12%, एंड लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला भी सेम होता है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, दैट मीन्स लॉस आ जाएगा परसेंटेज इंटू में सी पी अपॉन 100, और परसेंटेज कितनी है लॉस की, 12 इंटू में 2000 माइनस एक्स अपॉन 100, तो देखिए 12 टू जा 24000 माइनस 12x अपॉन 100, ये आ गया इसका लॉस। और लॉस के केस में एसपी कैसे निकलता है, सीपी माइनस लॉस अगर आप करेंगे तो एसपी निकल जाएगा, दैट मीन्स सीपी यहाँ पे आपका था, जो सीपी की वैल्यू थी वो थी आपकी कहाँ, ये 2000 माइनस एक्स, एंड माइनस में 24000 माइनस 12x, ये आया एस पी। अब अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो सीधे सीधे देखिए, ये हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख में से अगर आप 24000 माइनस करोगे तो बचेगा 1,76,000, एंड माइनस में देखिए माइनस 100 प्लस 12, तो माइनस 88x अपॉन 100। अब ये आया एस पी ऑफ सेकेंड, एंड ये था एस पी ऑफ फर्स्ट।
यानी टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए एसपी ऑफ फर्स्ट निकल के आई है आपकी 112x/100 एंड एसपी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट निकल के आया है आपका 1,76,000 -88x/100, यानी टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 112x/100 + 176,000 -88x और इसके अपॉन कंप्लीट के अपॉन में 100। तो देखिए 176,000 तो एज इट इज़ है, माइनस 112 में से 88 गए तो -24x एंड अपॉन में कंप्लीट एलसीएम 100, ये टोटल एसपी हो गया। ये आई है एसपी आपकी दोनों की कंबाइन ली। एंड अगर आपको पता हो तो हमारी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो दोनों ऑब्जेक्ट की सीपी थी वो थी 2,000 रुपीज़ एंड ओवरऑल प्रॉफिट था 1.2%, यानी ओवरऑल प्रॉफिट के बाद अगर मैं एसपी निकालता हूँ तो 2,000 में 1.2 का प्रॉफिट, यानी कि 24 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 2,000 सीपी था, यानी 2,024 रुपीज़ इसका ओवरऑल सेलिंग प्राइस था, यानी इसकी वैल्यू 2,024 है, यानी कि मैं यहाँ कर देता हूँ 176,000 - 24x/100 की वैल्यू है 2,024। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 100 इधर चल जाएगा, 176,000 - 24x इज इक्वल टू में 2,024,000 एंड 24x, सॉरी ये माइनस नहीं है प्लस है, यानी कि वन से देखिए 24x विल बी इक्वल टू, अगर आप इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2,064 एंड 00 एंड x विल बी इक्वल टू 2,064 00 अपॉन 24। 24 वन जा 24, 24 वन जा 24 एंड 100, यानी x की वैल्यू आ गई 1,100। क्या है ये सी पी ऑफ फर्स्ट एंड सी पी ऑफ सेकेंड कितना था 2,000 - x, यानी कि 2,000 - 1,100 दैट मीन्स 900 रुपीज़, दैट इज सी पी ऑफ सेकेंड। इसमें प्रॉफिट हुआ था एंड इसमें लॉस हुआ था। सो आई होप आपको समझ में आ गई हो, अगर समझ में आ गई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।